हाँ बेबी, हाँ आ रहा हूँ यार। पैकअप होते सीधा थोड़ी ना घर पहुँच जाऊँगा, थोड़ा पैकिंग वैकिंग साफ सफाई भी करनी पड़ती ना। आ रहा हूँ बस, आ गया। ओके हाँ हाँ हाँ, अरे आ रहा हूँ। हाय कपिल। अरे अनुभव सर, हाउ आर यू? वेरी गुड यार। हाय हाय हाय। एक फिल्म बनाई यार, उसके प्रमोशन के निकले हैं, तो हमने कहा कपिल को मैं जानता हूँ, कपिल के पास आ जाते हैं। हमारा तो आज का शूट हो गया सर, फिनिश अगले हफ्ते कर ले। अगले हफ्ते ही तो है ना रिलीज, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को रिलीज है। ये प्रीत है। हाय हाय प्रीत। ये ईशा है। हाय ईशा। हेलो। ये काव्या है। हेलो सर। तो सोफे पे कपड़ा भी डाल दिया अब तो उसी पे बैठ जाएंगे। बिल्कुल जिस सोफा पे बैठना है उसका कपड़ा उठा लो यार, लाइट ऑन करके आ जाओ। आ जाओ। पहली बार ऐसा हुआ है, दुकान बंद की और ग्राहक आ गए। अतिथि देव बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए, ये लोग भी सब जा ही रहे थे। दो मिनट रुकिए, हम आधे घंटे में फ्री कर देंगे आपको। आइए। मैं आप बताया नहीं अनुभव सर, आप लोग हमेशा बोलते रहते होते ना कि इंडस्ट्री के बाहर के बच्चे नहीं आते, तो मैं एकदम नेपोटिज्म फ्री बच्चे लाया हूं, वैसी लगी हुई नेपोटिज्म की। अच्छा, अरे वाह, वेलकम। तो ये फिल्म आपने डायरेक्ट की है सर? नहीं, रत्ना जी ने करी है, वाइफ मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर वाइफ नेपोटिज्म में नहीं आती? नहीं, वो सात फेरों में आती है। सात फेरों और सात बंधन के बाद। ऑफ कोर्स हम रत्ना मैम को जानते हैं। रत्ना मैंने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई थी, शादी में जरूर आना मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू। तो रत्ना मैम, ये जब आपने फिल्म डायरेक्ट की, आपने तो प्रोड्यूसर अनुभव सर हैं, तो इनको आपने स्क्रिप्ट दिखाई थी या आंख दिखा के काम चल गया था आपका? अरे इनके धक्के खाने पड़े थे, इनको बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि सेकंड पिक्चर तो हमारे, फर्स्ट तो करी नहीं इन्होंने हमारे साथ। अच्छा। तो सेकंड मैंने बड़ी मुश्किल से पटाया, मैंने रिश्तों का इस्तेमाल किया, मैंने कहा ये हमारे लिए करो, तो बड़ी मुश्किल से मानी है। क्या बात है। अच्छा, फिल्म का नाम है मिडिल क्लास लव, और ये जो चेहरे आप लेके आए बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल इंडस्ट्री के बाहर से आए हैं, नए लड़के लड़कियां हैं, ये मिडिल क्लास कहीं से भी लगते, मुझे लगता है काजू बादाम खा खा के बड़े हुए। इनके रंग देखो आप, इतने चमक रहे हैं। आप तीनों का ये डेब्यू फिल्म है? हाँ जी हाँ जी, बॉलीवुड डेब्यू है हमारी। आप सब पहले तो अपने नाम बताइए हमारे दर्शकों को। आई एम काव्या थापर। काव्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं ईशा सिंह हूँ। हाँ, अभी प्रेजेंट करना है क्या मतलब? अटेंडेंस। यस सर, मेरा नाम प्रीत कमानी है, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच। अंदर सर, आपको लगता है कि आदमी जितना भी रिच हो जाए, जब उसकी शादी हो जाती है, बीवी उसको मिडिल क्लास बना ही देती है, आपका इस उल्टा भी होता है? उल्टा है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, दूसरी तरफ भी होती है। कैसे कैसे? वाइफ को भी मिडिल क्लास बना देता है आदमी। कैसे मतलब? आप कितनी भी की है शादी ना, आप तो मिडिल क्लास के सिंबल हो। देखिए, खुशी का मौका, आपकी फिल्म आ रही है, ऐसी बातें क्यों कर रही है? अच्छा अनुभव सर, ये फिल्म रत्ना मैम डायरेक्ट कर रही हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, हालांकि आप खुद भी कितने अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, रत्ना मैम कर रही हैं, तो हम क्या समझे इस बात को? सब समझे कि बीवी के आगे कोई डायरेक्शन नहीं चलती? बिल्कुल नहीं चलती, कैसे चल सकती है? उन्होंने बोला इतनी अच्छी पिक्चर बनाई, हिट पिक्चर बनाई, बोली अब मैं नए लोगों के साथ पिक्चर बनाऊंगी। क्या बात है, जब अपनी स्टोरी पे, अपनी स्क्रिप्ट पे आपको भरोसा होता है, फिर ये मैटर नहीं करता, फिर आप नए बच्चों के साथ फिल्म बनाने में, बहुत काबिले तारीफ बात है ये। थैंक यू। थैंक यू मैम। रत्ना, अनुभव सर के बड़े रेलेवेंट होते हैं इनके मुद्दे, और बड़े गंभीर मुद्दे भी उठा लेते हैं, ऐसी फिल्में बनाते हैं, बड़ी कमाल की फिल्में बनाते हैं। आपने शादी में जरूर आना या ये वाली, ये रोमांटिक फिल्में, रोमांस के लिए कैसे कन्विंस किया आपने सिन्हा साहब को फिर? उसमें एक पूरा एंगल है ना फिल्म में जो मेरे को बड़ा समझ में आया। क्या? एक तो लव स्टोरी तो है ही, दो लव स्टोरीज हैं एक्चुअली, और बहुत इंटरेस्टिंग नए प्रकार की लव स्टोरीज हैं, पर एक बहुत इंटरेस्टिंग रत्ना का एक थ्रेड था इस फिल्म में कि एक बच्चा मिडिल क्लास में पैदा हुआ और अपर क्लास की दुनिया से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है। अच्छा। और ये सोचता है कि ये ब्रिज कैसे कूद के पार कर लूँ जल्दी से, तो एक रिश्ते का इस्तेमाल करता है। राइट। और फिर उसके साथ क्या क्या होता है वो एक अलग बात है, पर मुझे वो एक मिडिल क्लास में फंसे हुए एक बच्चे की जो एक बेचैनी थी तड़प, और कैसे उससे निकल जाऊँ, और उस पूरे प्रोसेस में आप मिडिल क्लास का एक बहुत सारा अच्छापन है जो आप देखते हैं। राइट। जो वार्मथ है, जो एक छोटे कमरे में पाँच लोगों का, चार लोगों का परिवार जब रहता है, तो उसका एक प्रॉक्सिमिटी, एक क्लोजनेस है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। दिस फिल्म इज अबाउट
सेलिब्रेटिंग जो अपनी वैल्यूज़ हैं, जो रिश्तों के मायने हैं मिडिल क्लास में, दैट इज़ वॉट दिस फिल्म इज. सो इट्स सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग दैट मिडिल क्लास स्टैंड्स फॉर. और ये बड़ी अच्छी बात है मैम, अक्सर ही हमारी सोसाइटी में होता है ऐसा, हम जैसे लोग मिडिल क्लास वाले बच्चे या लोअर मिडिल क्लास, जब हम देखते हैं चमक धमक भरी दुनिया, तो हमारा भी दिल होता है कि यार हम भी अपनी लाइफ को और बेटर बनाएं, पैसा भी कमाएं, नाम भी कमाएं. बड़ा अच्छा मुद्दा है. कैसा लग रहा है आपको रत्ना मैम के साथ काम करके? बहुत 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 अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनकी पहली फिल्म में राजकुमार राव सर थे, उसके बाद अगर हम तीनों को चुना गया तो बहुत अच्छा फील होता है, ग्रेटिफाइड फील होता है कि यार कुछ किया लाइफ में सही. अंदर मन में आता होगा कि मैं राजकुमार राव से बेटर एक्टर हूँ? हाँ, समझ लीजिए आप. नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स. उनसे मिले भी हम, उन्होंने ट्रेलर भी देखा जब, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया. तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अनुभव सिन्हा जैसे प्रोड्यूसर है, रत्ना सिन्हा जैसी डायरेक्टर है, और ये मौका मिलना बहुत रेयर है. आप सब जानते हैं कि इंडस्ट्री में काम मिलना ही मुश्किल है, जो और एक बड़ी पिक्चर जिसको थिएटर में रिलीज मिल जाए, वो एक आई थिंक इट्स अ मिरेकल. और क्योंकि ये फिल्म थिएटर के लिए बनी, ऑडियंस के लिए बनी, कि पूरी फैमिली आए, पॉपकॉर्न खाए, एक दूसरे के साथ आपस में हंस मिलकर देखे फिल्म. एक इस डिसीजन का ज्यादा बड़ा क्रेडिट एक्चुअली स्टूडियो को जाता है, जी को, या जिन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं थिएटर में करते हैं. जी, बहुत अच्छी बात सर. और मैंने जो ट्रेलर देखा आपकी फिल्म का, जो फ्राइडे की ओपनिंग होती ना, जो वो ज्यादातर कॉलेज स्कूल के जो बच्चे होते हैं, जो पहले शुक्रवार को खिड़की पे टूटते हैं, उनको ये तो बहुत ही पसंद आने वाली, क्योंकि हर कोई रिलेट भी करेगा आपकी फिल्म के साथ. वी रियली होप. प्रीता, आपकी उम्र कितनी है? सर मैं 27 साल का. 27 साल की उम्र में आप द कपिल शर्मा शो में पहुंच गए, बहुत बहुत मुबारक. उनसे भी छोटी है. इतनी कम उम्र में इतना कॉन्फिडेंस कैसे? कौन सा च्यवनप्राश खाते हो आप? बस सर, पूरे लॉकडाउन में आपका शो देखा मैंने बैठ के, उसके बाद रियलाइज किया कि कभी कभी कॉन्फिडेंस ही काफी होता है. काफी होता है, जरूरी नहीं है. जरूरी जरूरी नहीं है. लोगों के कपल गोल्स होते हैं, हमारे कपल गोल्स है. हाँ, बात तो सही है. सीधा क्या बात है, ऐसे ही एक दूसरे की तारीफ करते रहेंगे, छा जाएंगे हम. पर ये सच में कपल गोल तो था, मैंने कहा कपल के शो पे तो जाना ही जाना है. सर, ये आपकी मोहब्बत है, आप जब भी आते हो ना चार चांद लगाते हो हमारे शो पे. लव यू सर. लव यू टू सर. मुझे एयरपोर्ट पे लोग पहचानते हैं. मैं अभी दिल्ली से आ रहा था तो फ्लाइट डिले हो गई, तो मैं बैठ गया, तो ऐसा अकेला रात के 11:30-12 बजे थे, तो एक छोटा बच्चा तो मेरे सामने से हवाई जहाज बन के करके निकला और मुझे देखता गया. तो मुझे एक पर्सन को डाउट हुआ कि शायद मुझे पहचान रहा है, फिर थोड़ी देर में आया ऐसे करते हुए गया. इवेंचुअली उसके माँ बाप आए, तो उन्होंने बोला कि सर आप क्या करते हैं? तो मैंने क्यों, क्या हुआ? बोले नहीं, बच्चा कह रहा है उसने आपको कपिल शर्मा के शो पे देखा है. अरे बाबा. मेरी सारी आइडेंटिटी है कि मेरे को कपिल शर्मा के यहाँ देखा. मैम आप डायरेक्टर हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, और बड़ी बात यह है कि आपके हस्बैंड भी हैं, तो आपकी हर डिमांड पूरी हो जाती थी कि मुझे इतना पैसा चाहिए, या ये बोलते थे आपको मैं घर का खर्चा है? बिल्कुल डिमांडिंग ही नहीं हूं, मैं जीरो डिमांड है मेरे. मैं उधर देखूं थोड़ी देर, मतलब मेरे से इकोनॉमिकल डायरेक्टर नहीं हो सकता, पूछ लो. हाँ बिल्कुल सही होगा, भी तो आप बोलेंगे नहीं, अभी घर जाके बोलोगे वहां पे ऐसा बोल रही थी, मेरा तो 3 करोड़. हम एक बात बताइए, जैसे आप दोनों मियां बीवी हैं, ये टैलेंटेड लोग एक दूसरे को कहाँ ढूंढते, कहाँ मिले थे आप? आपका प्यार कौन सा वाला था, मिडिल क्लास लव था? बहुत ही मिडिल क्लास था. तो तब उस वक्त तो मतलब मैं कुछ ऐसा कुछ 7-8-10 हज़ार रुपये कमाता था, ये तो उतने भी नहीं कमाती थी. असिस्टेंट थे ना जब हम लोग, तुम नहीं? हाँ, मतलब ये कुछ समय मेरी असिस्टेंट भी थी, फिर ऐसा बहुत अर्ली 90s की बात कर रहे हैं. तो वो वाला टाइम था जब स्कूटर थी मेरे पास, एक हरे रंग की DEV 2432. तो एक दिन मैं रत्ना जा रहे थे, बारिश होकर रखी थी, और तो मेरी जो पीछे वाली सीट थी ना, उसकी रेक्सिन फट गई थी, तो उसका फोम जो था वो एक्सपोज था, तो वो पानी सोख कर लेता था. तो रत्ना बैठी तो किसी कुछ मैंने गड़बड़ की होगी, पुलिस वाले ने रोका, तो मैं उसको पटावटा रहा था, तो शायद मैंने पटा भी लिया, उसने छोड़ दिया मुझे, चलान नहीं किया. तो रत्ना थोड़ी दूर थी, तो उसने मुझे बोला कि सीट ठीक करा लो, बेचारी की पैंट भीग रही है. तो मैंने कहा चल ठीक है. मैं तो दैट डे आई रियलाइज की है सीट फटी हुई बेचारी उसकी, जब भी बैठती थी बारिश में उसकी पैंट भीग जाती थी. ना ऐसे ही मेरे पास फटी सीट वाला स्कूटर था, आपकी पीछे वाली सीट फटी थी, मेरी आगे वाली सीट फटी थी, तो मैं चला के गया मिलने. हमारा भी ऐसा मिडिल क्लास वाले चक्कर था, तो कॉलेज में ऐसे यूथ फेस्टिवल में कोई लड़की मिली, तो बोला ऐसे आना तुम, रेस्टोरेंट मिलेंगे. मैंने कहा बाहर पार्किंग थी बहुत लंबी, तो वहीं पे खाना पीना वो रेडियां लगी होती ना, तो वो मिलने आ गई, वो अपनी स्कूटर पे आई. तो मेरे को था कि स्कूटर बैठे बैठे बातें करनी है, सीट कवर कहाँ डलवाए क्या. वो आई तो मैं एक्साइटमेंट में खड़ा हो गया, और उसकी सीधी नजर मेरी सीट पे पड़ी, इतना बड़ा फोम बाहर निकल रहा है.
बाद नहीं मिली वो। अब देखती होगी मेरी मर्सिडीज की फोटो। इस फिल्म में आपका करेक्टर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का है ना जी, तो मुझे बताइए आप तीनों में से ज्यादा वैसे कौन एक्टिव रहता है सोशल मीडिया पे? ये दोनों मिला के तो मैं कहीं आसपास भी नहीं हूँ, 1 मिलियन 2 मिलियन ये सब। पर क्या रेगुलर आपको कुछ ना कुछ डालते रहना होता है? मेरे को बताओ उसके बारे में कुछ। मेरे काफी दिनों से फॉलोवर नहीं बढ़ रहे, तो क्या क्या करना पड़ता है? एक तो इतना प्रीटी फेस हमारे पास है नहीं। एक्चुअली यही मेरी सबसे बड़ी यूएसपी है कि भगवान ने शक्ल ठीक ठाक दे दी मुझे, तो वो काफी बहुत ज्यादा ठीक ठाक है। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक टाइप की ठीक ठाक है। आई थिंक आजकल का ट्रेंड रील्स हो गया है ज़्यादा, तो बहुत लोग ट्रेंडिंग रील्स, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स जो हो गए हैं आजकल, गाने रील्स से चल रहे हैं, और मतलब एक ट्रेंड अगर आप फॉलो करते हो तो उससे काफ़ी आपको रीच मिलती है। बट आई थिंक बेस्ट इज़ टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, कि आप जो हो, आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है, आप वो सबसे ज़्यादा शोकेस करो, और कुछ बनने की या कुछ एक्स्ट्रा शो करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप हो ना, अगर आप वो ही दिखाओगे सोशल मीडिया में तो लोग ज़्यादा रिलेट करेंगे। और एक रिलेटेबल फैक्टर एक ऐसी चीज़ है जो कि जैसे मिडिल क्लास है, जैसे मिडिल क्लास बोलो सब, और कुछ हरकतें बता दो मिडिल क्लास की, तो हर एक इंसान उस चीज़ से रिलेट करेगा, उसके बारे में दो बार सोचेगा। तो अगर आप एक रिलेटेबल पर्सन हो तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा वर्क करता है। किसी भी मुद्दे पे कितना लंबा बोल सकते हैं? ये बहुत अच्छा बोल रही है। पर देखिए ये कितनी कम उम्र है सबकी और कितने मैच्योर है। मुझे लगता है लड़कियां ना, लगता क्या होती हैं एक्चुअली, लड़कियां ना ज्यादा जल्दी मैच्योर भी हो जाती हैं, समझदार भी ज्यादा होती हैं। मैच्योर तो जल्दी आती है, सेकंड वाले बातचीत है। अच्छा, मैच्योर जल्दी जाती है। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी के साथ बैठ के ऐसी बात बोल रहे हो। और मेरा क्या है ना, मैं बाल ज्यादा कर सकता हूँ ना, मैं कन्विंस कर लेता हूँ। ये बात तो सही है आपकी। अच्छा, आप जैसे बोल रहे रील का बड़ा ट्रेंड है, आपके फिल्म के गाने पे एक रील बनाए, वायरल कर देंगे कल इसको पक्का। yes. आपके साथ रील बनाना के मौका मिल रहा है तो आई थिंक वो अपने आप में ट्रेंड हो जाएगा। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो हमारा स्पेशल एपिसोड है ये आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप टाइप करें KAPILSHARMAK9, कपिल शर्मा K9। अच्छा, मेरा दिमाग देखो, मैं बोल रहा हूँ कि आप जाके देख सकते हैं, जो ऑलरेडी देख रहा होगा वही देखेगा ना ये वाला लिंक। नहीं, इसकी छोटी वाले की रील बना देंगे, उसको ये लोग वायरल कर देंगे। तो आप लोग डांस वाली रील बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। आप में से कौन कौन है मिडिल क्लास जो हमारे, हम लोग एक रील बनाते हैं ये करने की क्या जरूरत है? टी शर्ट को। अच्छा, मैं अपर क्लास हो गया हूँ तो मैं पीछे खड़ा रहूंगा। नहीं नहीं, हमने एक रील बनानी है, आ जाओ। कम 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 गर्ल्स। हाय हाय। हाय, कहाँ से आ रही हो? क्या स्टाइल है आपका? आई रियली लाइक इट। चलिए बनाते हैं। एक छोटी अनाउंसमेंट थी कि गाइस 16 सितंबर हमारी मूवी रिलीज हो रही है, और वो एक नेशनल सिनेमा डे है। दैट मींस हम एक मिडिल क्लास ऑफर लेके आए हैं, काइंड ऑफ बाय चांस। वो दिन पर सिर्फ सब थिएटर्स में ऑल ओवर इंडिया 75 रुपीज में आपको टिकट मिलेगी। प्लीज जाइए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। सो प्लीज प्लीज वॉच, खूब सारा प्यार दीजिए। अपना डेब्यू करने जा रहे हैं, बड़े ही प्यारे हैं तीनों। मुझे। और हम बेटा इधर आए, पढ़ने वाली भी और
ढेर सारा प्यार दीजिए इनको, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, इनकी फिल्म बहुत सक्सेस हो। और रत्ना मैम आपसे मिलके बहुत ही खुशी हुई, मुझे भी। और आपके पति देर से तो मिलते रहते हैं, प्रोड्यूसर की हालत देख लो, चुपचाप तबले वाले के पास जाकर खड़े हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, लॉट्स ऑफ लव और आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।